अदर ब्लॉग ऑन दिस चैनल। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको जर्नी करके दिखाया था मुंबई से गोरखपुर के लिए। तो फिलहाल मैं हूँ अपने गांव में, और क्या बताऊं भाई, कैसे कैसे करके 2 हफ्ते निकल गए मुझे खुद भी नहीं पता। और फिलहाल मतलब सबके यहाँ घूमने के बाद, सब रिलेटिव्स के यहाँ घूमने के बाद, मैंने मतलब कुछ और भी ब्लॉग्स बनाए हैं जो कि यार जल्द ही आएगा, और कुछ मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं भाई साहब जो कि काफी सही हैं। तो एक बार से जरूर उस पर भी चेकआउट करते रहना। और बात करें कि यार मतलब मेरा यहाँ पर जो है फिलहाल आज का मतलब लास्ट डे है, और आज मेरा फिर से टिकट है गोरखपुर से मुंबई के लिए, लेकिन मैं फिलहाल यहीं पर हूँ और शाम का टिकट है। ठीक है, तो शाम को लगभग 10 बजे की ट्रेन है, तो शाम को लगभग 6 बजे मैं यहाँ से घर से निकलूंगा। तो यार अभी देखो, मैंने सोचा यार देखो आज तो लास्ट डेट है, तो अब तक मैंने एक काफी इम्पोर्टेंट ब्लॉग नहीं बनाया, और मुझे लगा कि यार मुझे एक बनाना चाहिए इसके ऊपर, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छी वाइब्स मिले कि गाँव किस तरीके से होता है आज के टाइम पे। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से भाई साहब पूरा गाँव दिखता है। ठीक है, तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई साहब देख सकते हो, अभी जो है 6 भी नहीं बजा है, सूर्य उदय हो चुका है और सूरज भगवान इतने ऊपर पहुंच चुके हैं फिलहाल, और ये मेरे उठने से आधे घंटे पहले ही उनका सूर्योदय हो चुका था, और मैं अभी 10 मिनट पहले ही उठा हूँ। मेरी वाइफ कब से मुझे जगा रही थी, बट मैं उठ नहीं रहा था क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, और मतलब क्या होता है कि दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और रात में सुबह के टाइम में थोड़ा अच्छा लगता है कि यार थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, इसलिए वजह से उठने का मन नहीं करता है। और फिलहाल ये जो है आम का पेड़ है हमारा, लेकिन मतलब क्या ही बताऊँ कि सिर्फ एक ही नहीं, जितना भी यहाँ पर आम के पेड़ है ना हमारे चाचा या फिर बाबा के, किसी में भी जो है आम नहीं लगा इस साल। इनफैक्ट जो पूरे बाग बगीचे में ना उसमें काफ़ी रेयर है, मतलब बहुत कम पेड़ में जो है आम लगे हुए हैं। और यहाँ से यार एक काफ़ी खूबसूरत सी चीज़ दिखती है मेरे छत के ऊपर से, जो कि ये है माता जी का मंदिर, यहीं से होता है दर्शन। तो भाई साहब ये जो मंदिर है ना उसके पीछे जस्ट स्कूल है, और यहीं पर जो है जो रामायण होता है रामलीला वो भी यहीं पर होती है, तो हर दशहरे में यहाँ पर होता है। और लगभग मैं पिछले दशहरे को तो नहीं आ पाया था, लेकिन शायद ट्राई करूँगा इस बार जो है दशहरे में यहाँ पर ज़रूर आऊँ। एंड यहाँ पर ये मेरा छत है फिलहाल, ठीक है, इतना बड़ा छत है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स अभी जो है फिलहाल 6 भी नहीं बजे जैसा कि मैंने बताया, तो दिन यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब सोच सकते हो 5:30 बजे एकदम उजाला हो जाता है, और उसके बाद शाम को 7:30 बजे जो अंधेरा होता है। फिलहाल मैं आपको जो है अभी अपने गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, और फिलहाल यार मैं चाय लेके रेडी हो चुका हूं, तो चाय भी पीता हूं और साथ में जो है आपको यहां पर अपने गांव के बारे में डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गांव के इस मंदिर से, जो कि यहाँ पर जो है माता जी यानी दुर्गा जी का जो है मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उसी के पीछे जो है एक सरकारी स्कूल है जिसमें मैं काफ़ी टाइम पहले पढ़ता था, मतलब जब मैं 4थी या 5वीं में था तब मैं वहाँ पर पढ़ता था। और कुछ इस तरीके से मंदिर दिख रहा है, और अभी इसका पूरा निर्माण कार्य जो पूरा नहीं हुआ है, लगभग 3 साल से इसका काम चल रहा है, क्योंकि मतलब बीच में कोविड भी आ गया, और यहाँ पर ना उसी के बगल में जो है रामलीला होता है, तो उसमें जितने पैसे आते हैं मतलब दान पुण्य में या फिर लोग जो है जितने लोग डोनेट करते हैं वहाँ पर, तो उसी पैसे से जो है इस मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसकी वजह से उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर मंदिर, उसके पीछे जो है दूसरा गाँव चालू हो जाता है फिलहाल, और ये जो है हमारा आम का पेड़ है, तो फिलहाल इस पे आम तो लगे नहीं है जैसा मैंने आपको बताया। और उसके बाद इस साइड आते हैं तो यहाँ से जो है गांव में एंट्री आपको चालू हो जाती है, और इस साइड में सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो लाइन पे सड़क के किनारे जो है ना यहाँ पर आपको ब्राह्मण देखने को मिलेंगे, जो कि सारे लोग जो है चतुर्वेदी हैं, तो ब्राह्मण वर्ग है। ठीक है, तो उन सभी का घर जो है एक साथ में है, और कुछ लोग इस साइड हैं, कुछ लोग जो है गांव के उस साइड में हैं, तो वो लोग भी ब्राह्मण ही हैं, और वहां पर मतलब पांडे हैं, चतुर्वेदी हैं, अलग अलग इस तरीके का वर्ग है। ठीक है, तो ऐसा है। और बाकी बीच में जो है इनके बीच में जो घर दिख रहा है आपको यहाँ पर, जिसपे प्लस्तर नहीं किया मतलब सफाई नहीं हुई बाहर से, तो वो जो है इतना एरिया जो है कुम्हार है पूरा, जो कि यार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनका है, और हम लोग भी वही वर्ग के हैं फिलहाल। और जो आपको 2 टंकी दिख रही है उसके ऊपर शायद दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर में,
तो मैं जूम करता हूँ थोड़ा, तो हाँ ये देखो जो ब्लैक कलर की आपको टंकी दिख रही है ना, तो वहाँ पर जो है फिलहाल विश्वकर्मा लोग रहते हैं, जो कि मतलब बढ़ई समाज के हैं, तो वहाँ पर वो रहता है। बाकी इस साइड में जो है आपको यहाँ पर ये जो है हरिजन समाज का पूरा एरिया है। तो यार अभी तो फिलहाल स्कूल की बस आ रही है, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। ये जो है मतलब स्पीकर लगा देते हैं इसमें, जिससे जो स्कूल का एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर बच्चे भी आवाज़ सुन के आ जाते हैं। तो अभी बात करते हैं ये वाले एरिया में, तो ये वाला एरिया जो है हरिजन समाज का है, यानी आप बोल सकते हो चमार, तो वो इनका वर्ग है पूरा। और इस साइड में जो यहाँ पर का पूरा घर है उनका भी पूरा अलग से एरिया है। तो इस साइड में जो भी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा घर दिख रहा है ना, तो ये जो है यादव समाज का है और यादव वर्ग का आप बोल सकते हो। और इस साइड में जो है सभी आपको यादव सिंह इस तरीके के जो है आपको लोग देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको जो है अपने गांव के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से यहां पर जो है हर वक्त वर्ग को अलग अलग तरीके से सेपरेट किया हुआ है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो भाई। मतलब अगर आप किसी ब्राह्मण के घर पर जाते हो तो उसके आसपास में भी आपको ब्राह्मण का ही घर देखने को मिलेगा, कुम्हार के घर पर जाते हो तो कुम्हार के मतलब आपको अगल बगल में ही सब लोग कुम्हार का ही घर देखने को मिलेगा। और इस साइड जो मंदिर है ना, इस मंदिर के उस साइड जो गांव है उस साइड भी वैसा ही सीन है कि जहां पर मुसलमान है उनका मतलब पूरा अलग एक एरिया है कि वहां पर सिर्फ आपको मुसलमान ही मिलेंगे, और उसका ही अलग उसके ही बगल में मतलब आपको सिंह लोग मिलेंगे, ठीक है। बाकी उधर भी कुम्हार के लोग हैं, तो उधर धोबी के भी लोग हैं। इस तरीके से मतलब अलग अलग करके सेपरेट किया हुआ है। और भाई साहब बाकी यहाँ पर जो है इस साइड में खेती होती है, बाकी अलग अलग जगह पर जितना भी एरिया दिख रहा है खाली में, तो वहाँ पर यार खेती होती है। तो अभी जो आपको यहाँ पर मैं सीन दिखाने वाला हूँ, सो बेसिकली उसके ऊपर जो है पंचायत वेब सीरीज है ना, उसका एक एपिसोड पूरा बन सकता है भाई। तो प्रॉब्लम रिलेटेड है, ये नाली से रिलेटेड है। सो बेसिकली हमारे घर में जितने भी नल है ना, उनका पानी जो है बाहर नहीं जा पाता है, जबकि हमारे गाँव में पूरा नाली बना हुआ है, क्योंकि यार कुछ लोग नहीं चाहते कि नाली बने हमारे घर के बाहर। इसके वजह से वो मैं आपको दिखाता हूँ, नाली फिर भी बन गया था लेकिन उन्होंने जो है पानी आगे बढ़ने नहीं दिया। तो भाई ये है मेरे गांव का चार रास्ता। सो बेसिकली यहाँ पर जो तीन रास्ते हैं ना, जो आपको सीधा दिख रहा है और जो जहाँ से मैं चल रहा हूँ और बाकी जो राइट साइड में है, वहाँ पर जो है यहाँ से आप गांव के अंदर एंट्री ले सकते हो। बाकी जो चौथा है वो जो है गांव के अंदर जाता है, ठीक है, वो रोड। और बात करें यार यहाँ पर देखो, ये जो है तार है बिजली का, जहाँ से पूरा सप्लाई हुआ है पूरे गाँव में। और भाई इस टाइप इधर यहाँ से जाओगे ना, तो आप वहीं मंदिर पर पहुँच जाओगे जो मैंने दिखाया था आपको, और वहाँ पर जो बन रहा है देख सकते हो, तो वहीं पर जो है वाटर टैंक का निर्माण हो रहा है, जो आसमान में रहता है बड़ा सा 5-6 लीटर की टंकी बन रही है वहाँ पे। एंड अभी यहाँ से जो है हम अपने गांव के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये बेसिकली इसी घर पे शादी था, ये मेरे दोस्त का घर है। और यहाँ का मतलब शादी का ब्लॉग मैंने पूरा डिटेल में बनाया हुआ है, तो वो भी जल्दी आएगा मेरे चैनल पर, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, जिससे जो आपको पता चलेगा कि गाँव में शादी कैसे होती है। वो आ जाइए। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, ये जो है फिलहाल ग्राम पंचायत भवन, और ये जो है इसका निर्माण अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है। और देख सकते हो यहाँ पर गेट भी अभी तक लगा नहीं है, बाकी ये जो है अभी मतलब एक महीने पहले ही बन के रेडी हुआ है। ये रहा छोटा सा पोखरा, और इस पोखरे का नाम है अकेला, ठीक है, इसको हम अकेला बुलाते हैं, ये अकेला पोखरा है। उसके बाद यहाँ पर जो इस साइड में आपको बगीचा देखने को मिलेगा, पहले यार बहुत सारे पेड़ थे लेकिन आधी तूफान आता है तो भाई गिर जाते हैं, देख सकते हो थोड़ा गड्ढा भी हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो है जब बोलते हैं ना आंधी आती है काफ़ी तेज़ आती है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेड़ जो यहाँ पर गिर भी चुके हैं, कुछ नए पेड़ भी लगाए गए हैं। और इस साइड में जो दिख रहे हो, ये जो सबसे बड़ा बागीचा है हमारे गांव का, और यहाँ पर लगभग इसके अंदर 200 से ज़्यादा पेड़ हैं। और उसके बाद ये देखो वो जो वहाँ पर मंदिर है ना, वो मैं आपको दिखा रहा था, और उसी के ठीक सामने ये जो है सामने आपको दिख रहा है ये मेरा घर है। और ये जो बगल में ना जहाँ पर गाय चर रही है, उसके पीछे जो पीपल का पेड़ है बड़ा सा, ये जो लगभग 300 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ है। तो देखो यार इस साइड से जो है अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पीपल का पेड़ कितना ज़्यादा बड़ा है, और ये जैसा कि मैंने बताया आपको लगभग 300 साल से पुराना पेड़ है। और फ्रेंड कुछ इस तरीके से जो है बाहर का गाँव दिखता है।
और इस साइड में जो है सभी खेत है भाई, जितना दूर तक दिख रहा है ना आपको पूरा, मतलब वो जो आगे जो है बागी दिख रही है उसके बाद दूसरा गांव चालू होता है, बाकी यहाँ पर पूरा खेत ही खेत है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है पानी की टंकी का निर्माण कार्य चालू है, और यहाँ पर जो है उसका अंदर का जो पाइप होता है ना वो वहाँ पर लगा दिया है, ये देखो यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। बाकी अभी बाहर का जो पिलर का काम है और बाकी और जो काम है वो जो अभी रुका हुआ है वो थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अभी कुछ दिन पहले ही ये दीवार जो है मतलब इसकी बाउंड्री पूरा कंप्लीट हुआ है, एंड ये भी एक पीपल का पेड़ है। और यहाँ पर छोटा सा पोखरा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है पोखरा, इसका पानी जो है लगभग सूख ही चुका है भाई, थोड़ा ही पानी बचा है। और इसके बगल में ना यहाँ पर बांस के पेड़ हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी घर पे कोई काम रहता है, जब भी बांस का ज़रूरत पड़ता है तो उस टाइम पे लोग यहाँ से आते हैं और काट के ले जाते हैं, ये सार्वजनिक है, ठीक है। उस साइड भी थोड़े से बांस के पेड़ लगाए हुए हैं, और यहाँ पर यार सब ये आम के पेड़ है लेकिन किसी पर भी आम नहीं लगा इस बार। और इस तरीके से देखो ये है वो मंदिर जो मैं घर से आपको दिखा रहा था, तो इसका मतलब ऊपर का काम पूरा हो चुका है, नीचे का काम मतलब पूरा अभी बाकी ही है समझो। एंड यहाँ पर जो आपको स्टेज टाइप में दिख रहा है ना बाउंड्री करके मारा हुआ, तो यहाँ पर जो है रामलीला होती है, यहाँ पर इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, यहाँ पर जो है सब लोग बैठ के जो है रामलीला का आनंद लेते हैं। और पीछे जो है ये स्कूल है, तो स्कूल का जो है ये वाला पार्ट है ना ये सबसे पुराना है, सबसे पहले मैं इसी में पढ़ता था, ठीक है। तो इसमें पहले दो ही कमरे थे और एक छोटा सा हेडमास्टर का कमरा था, और ये जो है नल भी उसी टाइम का है, काफ़ी ज़्यादा पुराना सरकारी नल है। एंड उसके बाद यार उसके सामने जो है ये वाला स्कूल बना, फिर उसके बाद उसी के सामने ये वाला भी बना, मतलब पहले सिर्फ दूसरी तीसरी तक ही था, फिर उसके बाद जो इसको बढ़ा करके लगभग 12वीं तक किया गया है। तो कुछ इस तरीके से आज दिखता है 360 व्यू में अगर आपको मैं दिखाऊं तो। देखो यार सच बताओ तो एक ब्लॉग में पूरा गांव को कवर करके दिखा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए यार मैं मतलब इस ब्लॉग को यहीं तक बना रहा हूँ। बाकी जितनी मतलब नेसेसरी डिटेल्स थी वो जो आपको इस वीडियो में मैंने दिखा दी, आई होप कि आपको थोड़ा वीडियो देख के मज़ा आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, सुकून मिला होगा थोड़ा। और यार इसी तरीके और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो यार जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।